वेलकम बैक टू दीपक एंड रोहित क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ाएगी। इसमें आप सीखेंगे, जैसे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, कई लोगों को इस सेंटेंस की इंग्लिश नहीं पता होती। जैसे मेरा आज कुछ खाने का मन कर रहा है, हमारा कहीं जाने का मन कर रहा है, मेरा आपसे मिलने का मन है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। सो ये इस टाइप के सेंटेंसेस आप सीखेंगे इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, मेरा घूमने का मन कर रहा है या मेरा घूमने का मन है। कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक ट्रैवलिंग। आई फील लाइक ट्रैवलिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। सो फ्रेंड्स, मन है, मन कर रहा है, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा टीवी देखने का मन है। कैसे बोलेंगे? वी फील लाइक वॉचिंग टीवी। वी फील लाइक वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जांपल, उसका सोने का मन है, यानी कि सोने का मन कर रहा है। कैसे बोलेंगे? ही फील्स लाइक स्लीपिंग। ही फील्स लाइक स्लीपिंग। एक और एग्जांपल, उसका खेलने का मन है या उसका खेलने का मन कर रहा है। कैसे बोलेंगे? शी फील्स लाइक प्लेइंग। शी फील्स लाइक प्लेइंग। इसमें मैंने ही और शी लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि ही और शी में एस लगेगा, जैसे कि फील में एस लग रहा है ना, ही फील्स और शी फील्स। सो ये रखना, आप जब भी इसके एग्जाम्पल बनाओगे तो एस जरूर लगाना, बाकी सब में मत लगाना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। इस टाइप के सेंटेंस आप घर पर प्रैक्टिस बना के। और एक और चीज आप करना, कॉमेंट में एक सेंटेंस जरूर लिखना कि आपका क्या मन कर रहा है करने का। और हाय दोस्तों, आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, ना मेरा पढ़ाने का मन है, ना मेरा वीडियो बनाने का मन है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। सर ने आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस बताए, हमारा कोई काम करने का मन है। अब मैं आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं है। हम काफी बार बोलते हैं, आज मेरा नहाने का मन नहीं है, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, जब हमारी फेवरेट सब्जी नहीं बनी होती। और काफी सारी चीजें ऐसी होती है डेली लाइफ में जो हमारा करने का मन नहीं करता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज हम आप लोगों को यही पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेगेटिव, सर ने पॉजिटिव आप लोगों को पढ़ा दिया, मैं पढ़ाऊंगा नेगेटिव। सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। डरो मत दोस्तों, इतना बड़ा फॉर्मूला देख के मैं आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से समझाऊंगा, सेंटेंस के जरिए समझाऊंगा। सब्जेक्ट आप लोगों को बताया, आई यू वी ही शी नेम, सब्जेक्ट आप लोगों को बताया, और बाकी की चीज भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से। और यहाँ एक बात आप लोगों और ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप लोग यूज करना। तो चलो कुछ सेंटेंसेस कर लेते ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लोग समझ जाओ। सबसे पहला, उसका पढ़ने का मन नहीं है। काफी बार होता है हमारे घरों में या हमारा भी पढ़ने का मन नहीं करता, हम इसे कैसे बोलेंगे? शी डज नॉट फील लाइक स्टडिंग। She does not feel like studying. अब इसमें does क्यों आया? क्योंकि आप लोगों को हम काफी बार पढ़ा चुके हैं, he, she, it और name के साथ does आएगा, I, you, we, they के साथ do आएगा। ये बात आप लोगों को हम हर वीडियो में बताते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज में। अब एक और सेंटेंस, राहुल का यहाँ रहने का मन नहीं है। इसे कैसे बोलेंगे हम? राहुल does not feel like staying here. राहुल does not feel like staying here. नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही मजेदार है, और ठंड आ रही है, विंटर्स अराउंड द कॉर्नर। तो आप लोगों को बहुत ये सेंटेंस आप लोग बहुत ज्यादा यूज करोगे। आज मेरा नहाने का मन नहीं है, हम इसे कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट फील लाइक टेकिंग अ बाथ टुडे। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ बाथ टुडे। अब टेक अ बाथ हम बोलते हैं नहाने को, और यहां हमने डू क्यों लगाया? क्योंकि यहां वही वाला रूल आई यू वी दे के साथ डू आएगा, सेम रूल। मेरा मीटिंग अटेंड करने का मन नहीं है, इसे कैसे बोलेंगे हम? आई डोंट फील लाइक अटेंडिंग द मीटिंग। आई डोंट फील लाइक अटेंडिंग द मीटिंग। आजकल जूम पे काफी मीटिंग होती है, स्काइप पे काफी सारी मीटिंग होती है, कोरोना की वजह से हर चीज वर्क फ्रॉम होम हो गया, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे। तो एग्जाम्पल्स भी हम आप लोगों को ऐसे देते हैं जो आप लोग कनेक्टिविटी बना पाओ।
लास्ट एग्जांपल, हमारा काम करने का मन नहीं है, इसे कैसे बोलेंगे हम? वी डोंट फील लाइक वर्किंग, वी डोंट फील लाइक वर्किंग। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि आज आप लोगों को जो भी करने का मन नहीं है आप उनसे ये बोल सकते हो, वो भी चौंक जाएंगे कि आपने भी नया सीखा। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।